नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनाणिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनाणियन एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के आंसर की के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉपर द्वारा और जो सबसे बड़ी कोचिंग है केमिस्ट्री की, उसके द्वारा ये निर्मित की गई और सबसे अच्छी कोचिंग भी है जिसके द्वारा ये जारी की गई आंसर की है, जो कि एकदम सही और सटीक है। तो हम आंसर की ओर बढ़ते हैं तथा सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आंसर के मिलाने के बाद आप जो कि जो भी इसके आंसर आ रहे हैं जिससे आप मिलाते हैं और उसके बाद आपके जो नंबर आ रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ आपके अनुसार क्या कट ऑफ रह सकती है वो भी लिखें, जिससे कि हम एक अनुमानित और सटीक कट ऑफ का विश्लेषण कर सकें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने जो मार्क हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बता देता हूँ, ये जो आंसर की है ये सरस्वती धाम, जो कि जयपुर में इसकी कोचिंग संस्थान है केमिस्ट्री की सबसे बड़ी, उसके द्वारा जारी की गई है और इसमें केवल आपको केमिस्ट्री के ही जो क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर मिलेंगे। तो हम आंसर की देख लेते हैं एक बार और उसके बाद आप नीचे कमेंट में आंसर की के बाद अपने मार्क ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम इसकी कट ऑफ बना सकें। पहला क्वेश्चन आप यहां देख सकते हैं, 5 नंबर पर आया, जिसका आंसर है 4। 32 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर है 3। इसके बीच के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से संबंधित हैं, तो इनको नहीं दिया है, सीधे 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 4 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 4 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 4। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1। अगर आपको वीडियो फास्टली ऊपर ग्रो हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो में आंसर नज़र नहीं आ रहे तो आप वीडियो की क्वालिटी 360 से ऊपर कर लीजिए, जिससे कि आपको नज़र आ जाए। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके 2 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके 1 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर। 51 का क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर। 52 क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2 नंबर। और 56 क्वेश्चन नंबर का आंसर 1 नंबर। 57 क्वेश्चन का आंसर नंबर 3। 58 का क्वेश्चन नंबर का आंसर 3। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन में कूट दिए गए हैं जिसका आंसर है 4 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1 नंबर। 62 क्वेश्चन नंबर का आंसर है 2। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2। 64 क्वेश्चन का आंसर है 1। 65 क्वेश्चन का आंसर है 2। 66 क्वेश्चन का आंसर है 3। 67 क्वेश्चन का आंसर है 1। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1। 69 क्वेश्चन का आंसर 4। और 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके यहाँ पर 3 नंबर। 71 क्वेश्चन का आंसर है 2। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2। 73 नंबर का है 1। 74 का 3 नंबर आंसर। 75 का आंसर नंबर 3। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2। 77 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है 1। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2। 79 का 1। 80 का आपके 2 नंबर। 81 का 1 नंबर। 82 का आपके 4 नंबर। 83 का 1 नंबर। 84 का आपके 3 नंबर। 85 का आप देख सकते हैं 1 नंबर। 86 का आपके 1 नंबर। 87 का आपके 2 नंबर। 88 का आपके 2 नंबर। 89 का आपके 4 नंबर। 90 का आपके 4 नंबर। 91 का आपके 2 नंबर। और 92 के आपके 4 नंबर आंसर है।
और 93 का आपके एक नंबर, 94 का आपके तीन नंबर, 95 का एक नंबर, 96 का एक नंबर, 97 का एक नंबर, 98 का एक नंबर तथा 99 का आपके तीन नंबर और 100 का आपके तीन नंबर आंसर है। 101 का आंसर आप देख सकते हैं दो नंबर है। 102 का आंसर आप देखते हैं चार नंबर। 103 का आंसर नंबर एक है। 104 का आंसर नंबर तीन है। 105 का आंसर नंबर तीन है। 106 का आंसर नंबर तीन है। 107 का आंसर नंबर एक है। 108 का आंसर नंबर दो है। 109 का आंसर नंबर एक है। 110 का आंसर नंबर तीन है। 111 का आंसर नंबर दो है। 112 का क्वेश्चन का आंसर नंबर एक है। 113 क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर दो है। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके एक नंबर है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसका आंसर एक है। 115 क्वेश्चन का आंसर एक है। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर चार है। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीन है। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक है। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो है। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी दो है। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक है। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक है। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीन है। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो है। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक है। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक है। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीन है। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी तीन है। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो नंबर है। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक है। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके दो नंबर है। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक है। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर चार है। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीन है। 135 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं तीन नंबर है। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं तीन नंबर है। 137 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आंसर नंबर तीन है। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर चार है। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीन है। 140 नंबर क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाया इसमें। 140, 41 और 142 के आंसर नहीं दिए गए हैं 43 तक। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके दो नंबर है। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीन है। अगर किसी अभ्यर्थी को इनके आंसर आ रहे हैं 140, 41, 42 और 43 तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि अन्य अभ्यर्थियों की हेल्प हो जाए। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीन है। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पर तीन नंबर है। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके दो नंबर है। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ देख सकते हैं तीन नंबर है। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपके तीन नंबर ही है। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो नंबर है। तो ये थी केमिस्ट्री के आंसर की। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के आंसर की बनाई है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स की एक आंसर की और जारी की जाएगी, और साथ ही केमिस्ट्री की जो ये सटीक आंसर की है, जो कि आप देख सकते हैं कि सरस्वती धाम द्वारा जारी की गई है, इसके अनुसार जो आपके नंबर आ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जल्द ही मैं केमिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो आपको जारी करके नीचे बताऊंगा, जिससे कि आपको एक सटीक आंकड़ा लग सके कि आपका नंबर आने वाला है या नहीं आने वाला। साथ ही जो भी अभ्यर्थी अपने अनुसार का जो कट ऑफ है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या बहुत कम है, 160 पद है, तो उसके अनुसार ध्यान में रखते हुए इसकी कट ऑफ बनाएं, क्योंकि जो पेपर का लेवल है, पिछला पेपर और इस पेपर का लेवल लगभग सेम ही था, और जीके का पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि 9 तारीख को पेपर हुआ था वो भी ईजी था, तो इसी देख सकते हैं कि कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी। साथ ही साथ मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अपने ग्रुप जो व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप हैं उनमें अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को सहयोग हो सके, और साथ ही वीडियो को लाइक करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऑथेंटिक और सही न्यूज़ मिल सके और सही कट ऑफ आपको विश्लेषण कट ऑफ का इस चैनल पर मिल सके। साथ ही ये PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप इनानियन एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो ये आपको PDF दिखाई दे रही है आंसर की ये आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे कि आप सभी आंसरों को एक साथ मिलान कर सकें। तो
टेलीग्राम ग्रुप इनानियन एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।